इस वक्त पूरा देश उत्तराखंड के उत्तरकाशी टनल में फंसे 41 मजदूरों के वापस आने की कामना कर रहा है। किसी भी वक्त ये मजदूर बाहर आ सकते हैं। ड्रिलिंग का काम लगभग समाप्त हो चुका है। बता दें कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में चार धाम प्रोजेक्ट के तहत बन रही सिल्क्यारी टनल 12 नवंबर को लैंडस्लाइड के बाद बड़े हादसे का शिकार हो गई। एक बड़ा मलबा निर्माण अधीन सुरंग पर आ गिरा। इसकी वजह से अंदर काम कर रहे 41 मजदूर फंस गए। तब से लगातार बचाव अभियान चल रहा है। इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिक्स ने कहा, ड्रिलिंग मशीन 3 बार खराब हो चुकी है, ये शुक्रवार तक ठीक हो जाएगी। आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं कि कब से कहां तक इस पूरे टनल की जंग में, टनल से मजदूर को बचाने के अभियान में क्या कुछ हुआ। 12 नवंबर की बात करें यानी कि दिवाली के दिन सुबह करीब 5:30 बजे लैंडस्लाइड हुई, जिसके बाद ब्रह्मखाल यमुनोत्री राजमार्ग पर निर्माण अधीन सिल्क्यारा दंदाल गांव सुरंग का एक हिस्सा ढह जाने से मजदूर फंस गए। जिला प्रशासन ने बचाव अभियान शुरू किया। फंसे हुए मजदूरों को एयर कंप्रेस्ड पाइप के जरिए ऑक्सीजन, बिजली और खाने की आपूर्ति करने की व्यवस्था की गई। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीआरओ, परियोजना से जुड़े एजेंसी एनएचआईडीएसएल और आईटीबीपी समेत कई एजेंसियां बचाव प्रयासों में शामिल हुई, लेकिन कोई एक्शन प्लान काम नहीं आया। 13 नवंबर को ऑक्सीजन की आपूर्ति करने वाले पाइप के जरिए मजदूरों से संपर्क किया गया, उनके सुरक्षित होने की सूचना दी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौके पर पहुंचे। इस बीच सुरंग पर ऊपर से मलबा गिरता रहा, जिसके कारण लगभग 30 मीटर के क्षेत्र में जमा हुआ मलबा 60 मीटर तक फैल गया, जिससे बचाव अभियान और भी कठिन हो गया। मलबा रोकने के लिए कॉन्क्रीट लगाया गया। 14 नवंबर को 800 और 900 mm के स्टील पाइपों को लाया गया। बर्मा मशीन की मदद से वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू की गई। हालांकि जब अचानक मलबा गिरा तो 2 मजदूरों को मामूली चोटें आईं। फंसे हुए मजदूरों को भोजन, पानी, ऑक्सीजन, बिजली और दवाओं की आपूर्ति होती रही। उनमें से कुछ ने सिरदर्द और अन्य बीमारी की शिकायत की है। बात 15 नवंबर की करें तो पहली ड्रिलिंग मशीन से सफलता नहीं मिली। NHIDCL ने एक अत्याधुनिक बर्मा मशीन, जो कि अमेरिका निर्मित और ऑगर ड्रिलिंग मशीन है, इसकी मांग की। इसे दिल्ली से एयरलिफ्ट किया गया। 16 नवंबर को ड्रिलिंग मशीन को असेंबल और प्लेटफॉर्म पर लगाया गया। इस मशीन ने आधी रात के बाद काम करना शुरू कर दिया। बात करते हैं 17 नवंबर की। मशीन ने रात भर काम किया। दोपहर तक 57 मीटर लंबे मलबे को चीर कर करीब 24 मीटर ड्रिलिंग पूरी कर ली गई। 4 MS पाइप डाले गए। जब 5वां पाइप डाला जा रहा था तो पत्थर आ गया। ऐसे में प्रक्रिया रोकी गई। इंदौर से एक और ऑगर मशीन एयरलिफ्ट की गई। शाम को NHIDCL ने बताया कि सुरंग में एक बड़ी दरार आई है। विशेषज्ञ की रिपोर्ट के आधार पर ऑपरेशन तुरंत रोका गया। 18 नवंबर को ड्रिलिंग शुरू नहीं की गई। विशेषज्ञों का कहना था कि सुरंग के अंदर अमेरिकी ऑगर मशीन से उत्पन्न कंपन के कारण ज्यादा मलबा गिर सकता है, जिससे बचाव कर्मी भी मुश्किल में आ जाएंगे। पीएमओ के अधिकारियों और विशेषज्ञों की एक टीम वैकल्पिक मोड़ पर आई। उन्होंने सुरंग के ऊपरी हिस्से से हॉरिजेंटल ड्रिलिंग समेत एक साथ 5 प्लान काम करने का निर्णय लिया। 19 नवंबर को ड्रिलिंग का काम बंद कर दिया गया। बचाव अभियान की समीक्षा के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे। उन्होंने कहा, विशाल बर्मा मशीन के साथ हॉरिजेंटल बोरिंग करना सबसे अच्छा विकल्प प्रतीत होता है। 2.5 दिन के भीतर सफलता मिलने की उम्मीद है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और बीआरओ ने भी मोर्चा संभाल लिया। 20 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम धामी से फोन पर बात की, हर संभव कदम उठाने और मदद का आश्वासन दिया। बचाव कर्मी मलबे के बीच 6 इंच चौड़ी पाइपलाइन बिछाते हैं, जिसकी वजह से अंदर फंसे मजदूरों को ठीक से भोजन और अन्य जरूरी चीजें पहुंचाने में मदद मिली। हालांकि तब तक हॉरिजेंटल ड्रिलिंग फिर से शुरू नहीं की गई। ऑगर मशीन को एक चट्टान दिखाई देने के बाद काम रोक दिया गया। विदेश से टनलिंग एक्सपर्ट्स को बुलाया गया और वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू की गई। इसके बाद 21 नवंबर को बचाव कर्मियों ने सुबह अंदर फंसे मजदूरों का पहला वीडियो जारी किया। पीले और सफेद हेलमेट पहने मजदूरों को बात करते देखा गया। उन तक पाइपलाइन के जरिए खाना भी भेजा गया। वे एक दूसरे से बात करते नजर आए। सुरंग के बालकोट छोर पर 2 विस्फोट किए गए, जिसमें एक और सुरंग खोदने की प्रक्रिया शुरू होती है। हालांकि विशेषज्ञों ने कहा कि इस प्लान पर काम करने के लिए 40 दिन तक का समय लग जाता है।
NHIDCL ने रातोंरात सिलक्यारा छोर से हॉरिजेंटल बोरिंग ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें एक बर्मा मशीन शामिल थी। 22 नवंबर को एम्बुलेंस को स्टैंड बाय पर रखा गया। स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में एक विशेष वार्ड तैयार किया गया। 800 मिलीमीटर व्यास वाले स्टील पाइपों की हॉरिजेंटल ड्रिलिंग करीब 45 मीटर तक पहुंचती है। सिर्फ 12 मीटर की दूरी बाकी रह जाती है। मलबा कुल 57 से 60 मीटर तक बताया गया। हालांकि देर शाम ड्रिलिंग में उस समय बाधा आती है जब कुछ लोहे की छड़ें बर्मा मशीन के रास्ते में आ जाती हैं। वर्टिकल ड्रिलिंग में यहां बड़ी कामयाबी मिलती है। 23 नवंबर को लोहे की छड़ों के कारण ड्रिलिंग में 6 घंटे की देरी हुई। उसे गुरुवार को हटा दिया गया। बचाव कार्य फिर से शुरू हुआ। राज्य सरकार के नोडल अधिकारी ने बताया कि ड्रिलिंग 1.8 मीटर आगे बढ़ गई है। अधिकारियों ने कहा ड्रिलिंग 48 मीटर तक पहुंच गई, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म पर ड्रिलिंग मशीन टिकी हुई है उसमें दरारें दिखनी शुरू हो गई है और बोरिंग को फिर से रोकना पड़ा। बात 24 नवंबर यानी कि शुक्रवार की करें तो रेस्क्यू टीम मजदूरों के काफी करीब पहुंच गई है। अब ये दूरी सिर्फ 9 से 12 मीटर की रह गई है और जल्द ही ये मजदूर बाहर आते नजर आएंगे।